मैंने तो आरोप ये लगाया है कि कौन क्यों है, जब हिंदुओं के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है तो बोलते क्यों नहीं कि नीट की परीक्षा कैंसिल करो। मेरा आरोप ये है। सर आपने एक चीज और बोली कि आरएसएस से हमें सीखना भी चाहिए कि खाना भूसी किस तरीके से की जाती है। माइंड गेम जो खेलते हमको भी खेलना चाहिए। सर आज जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि राम और कृष्ण की जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी, गलत लगा है क्या? सर राम और कृष्ण की थोड़ा नीचे राम और कृष्ण की जीवनी जो है वो पाठ्यक्रम में शामिल कराई जाएगी। उच्च शिक्षा में राम और कृष्ण के जीवन के पाठ पढ़ाए जाए, राम कृष्ण जी के जीवन को पढ़ाया जाएगा, जीवन परिचर्य का पढ़ाया जाएगा। मोहन यादव जी ने कहा ऐसा है, धार्मिक जो आचरण है हमारे हमारी आस्था का प्रश्न है और भगवान राम एक आदर्श पुरुष थे। भगवान राम हमारे आदर्श पुरुष थे, कृष्ण भगवान हमारे एक आदर्श। मैं कहता हूँ कि ये राजनेता तो मैं नहीं कहूँगा उनको, वो सही प्रकार के एक एक विचारक थे। मैं इसलिए अगर उनके सही बात पर उनके कैसे एक अच्छा नागरिक बने पारसी उसके बारे में कोई आता है तब उसका स्वागत करेंगे, लेकिन साथ में इसके साथ साथ गुरु नानक जी पर क्यों नहीं आना चाहिए, जीसस पे क्यों नहीं आना चाहिए। अब मैं कहूंगा तो आप लोग एडिट करके वो सिखाएंगे। जितने भी धर्म के गुरु हैं सबके अच्छे आचरणों का उल्लेख अगर किया जाता है बच्चों के लिए तो उसमें हम स्वागत करेंगे।